नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता के बीच ईडन गार्डन्स में मैच खेला जा रहा है, जहां पर आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अगर आज आरसीबी की जर्सी को देखा जाए तो आज आरसीबी की जर्सी हरी कलर की नजर आ रही है। हरी कलर की जर्सी के साथ आरसीबी की टीम आज मैदान में अपनी किस्मत बदलने के इरादे से उतरी है। आरसीबी की टीम हर सीजन हरे कलर की जर्सी एक मैच में एटलीस्ट पहनते हुए मैच खेलती है, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम क्या आज मैच जीत पाएगी या नहीं, ये तो देखना होगा। आरसीबी की टीम की बात की जाए तो आरसीबी की टीम अपने पिछले 5 मुकाबले हार चुकी है, तो फैंस की ये निगाहें रहेंगी कि आरसीबी की टीम क्या अपना हरी जर्सी पहनकर आज अपना लक बदल सकती है या नहीं। आरसीबी की हरी जर्सी की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी की शुरुआत 2011 में होती है। आरसीबी की टीम 2011 से ही हर सीजन एटलीस्ट एक मैच में ग्रीन जर्सी के साथ खेलते हुए दिखाई देती है। आरसीबी की टीम ग्रीन जर्सी के पीछे खेलने की वजह जो है आरसीबी की टीम की, यह है कि आरसीबी की टीम गो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ग्रीन जर्सी पहनते हुए दिखाई देती है। आरसीबी की टीम की बात की जाए तो ग्रीन जर्सी में आरसीबी के खिलाड़ी गो ग्रीन यानी पर्यावरण बचाओ और पेड़ लगाओ की मुहिम को रन करते हैं। आरसीबी का जो टीम है वो इस मुहिम को रन करती है और जिस वजह से वो हरी जर्सी पहनते हुए हर सीजन में दिखते हैं। तो आरसीबी की हरी जर्सी के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आरसीबी ने 12 मैच हरी जर्सी में खेले हैं अब तक 2011 से, तो 12 मैचों में मात्र 4 मैच ही जीते हैं और 7 मुकाबले आरसीबी की टीम ने हारे हैं। तो ये आंकड़े थोड़ा डराने वाले जरूर हैं, लेकिन आरसीबी की टीम चाहेगी कि आज इस आंकड़े को बदला जाए, आज इस मुकाबले को जीता जाए। और अगर इस हरी जर्सी की एक बात की जाए तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस हरी जर्सी से जुड़ा हुआ है। इस हरी जर्सी को बनाने में रिसाइकल्ड मटेरियल जो कि मैदान में यूज़ होता है उसके जरिए इस जर्सी को बनाया जाता है। तो इस हरी जर्सी के द्वारा क्या आरसीबी की किस्मत आज पलटेगी, क्या आरसीबी एक मुकाबला यहां से जीत पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।